हमारे भाई साहब एनके सिंह जी मेरठ से। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, आप यहाँ आए, बहुत बहुत स्वागत। और भाभी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मैडम की जो सिस्टर हैं, वो एक सिस्टर नंबर वन और सिस्टर नंबर टू, इन दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। हम चाहेंगे कि बच्चों को आप आशीर्वाद दें, एनर्जी के साथ देने आशीर्वाद। बच्चों को खूब बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो धन्यवाद, आप भी आशीर्वाद दो। चलो अब आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आप भी दोनों बच्चों को अपनी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहें। थैंक यू, थैंक यू। और ये हमारी भाभी जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी शुभकामनाएं दें। शुभकामनाएं सब परिवार को, शुभकामनाएं। थैंक यू। आप यहाँ आए, मैं एक तरफ से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। यूं तो भगवान दिखते नहीं हैं, पर सबके पास रहते हैं। और ये इत्तेफाक है कि हमारे पड़ोसी घर के ठीक सामने मिसेज ग्रोवर, मैं आपका यहाँ अंकित की रिंग सेरेमनी में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप आए हैं, नाश्ता करें, लंच करें और बच्चों को आशीर्वाद पहले दे दें। ओके सर। बच्चों को आशीर्वाद पहले दे दें। ओके। हमने घर से दे के आए थे, अभी भी देना है, अभी देना है, उसमें क्या, तभी तो आए आशीर्वाद देने के लिए तो आए। अभी तो इस वीडियो को तो क्लोज करें, मुझे पॉज नहीं हो रही अंकल की वीडियो। चलो मैं ग्रोवर साहब की और आपकी बहू, हाँ ये अपनी तरफ से बहू कहती है, बहू जैसी लगती नहीं है, बिहेवियर बहू जैसा नहीं लगता। तूने सबके दिल में जो है ना वो जगह बनाई है कि लड़की से ज्यादा जगह बनाई है, पर बहू के रूप में लड़की, बहुत खुशी की बात। आपसे मैं फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से आशीर्वाद दो उनको, बच्चों को शुभकामनाएं। बहुत आशीर्वाद है मेरा बच्चों के साथ, मेरा देवर है, मेरा छोटा भाई है, मेरा सब कुछ है, उसके लिए बहुत बहुत, उसके लिए भी और कृतिका के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो धन्यवाद। मैं फिर से मैडम को पास दिखाता हूँ, अब बोलेंगे। मैं मैडम कुछ कह रही थी, ईश्वर करे बच्चों की किस्मत अच्छी निकले, आपका आशीर्वाद बना रहे और बच्चे खुश रहे, बच्चों को देख के आप भी खुश रहे। चलो थैंक यू। और आप, आपने अभी सपत्नीक आशीर्वाद दिया था, हम उसी को मेमोरी में फिर से रख लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात मिस्टर सीपी वर्मा जी से हो रही है, बीइंग ए फादर ऑफ अंकित वर्मा, जिनका आज सगाई का प्रोग्राम है। तो आज आपको इस शुभ मौके पर कैसा लग रहा है, आज कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। ये रिंग सेरेमनी नॉर्मली एक दूल्हा और दुल्हन का लव एंड कमिटमेंट, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना और दूसरा कमिटमेंट, ये दोनों के बीच में प्रॉमिस करते हैं। और शादी का सबसे पहला स्टेज होता है जहाँ ये एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, जिससे ये कमिटमेंट कर देते हैं कि भाई हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद जो आगे फ्यूचर जो हमारा शादी का प्रोग्राम होता है उसके बारे में भी बता दिया जाता है। तो रिंग सेरेमनी जो राधा पैलेस मेट्रो मॉल कड़कड़डूमा के पास सेलिब्रेट की जा रही है, ये हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं इन्होंने भी अपनी शादी की रिंग सेरेमनी यहाँ की थी और वो बड़ा सक्सेसफुल मैरिज रही। मैंने भी बहुत डांस किया था जी, आज मुझे मौका मिला है कि यहाँ पर मेरे ही विचार सुनने को इन्होंने कहा है। तो मैं कहूँगा कि हर बच्चा जो पढ़ने में कितनी मेहनत करता है, सर्विस करता है, सर्विस करने के बाद एक तमन्ना होती है कि कहीं ना कहीं जाके मुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत हो, ऐसा पार्टनर मिले जो मेरी जो बची हुई 30 ईयर्स है वो मैं खुशहाल जिंदगी जी लूँ। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ऐसे बच्चे, चाहे वो मेरे खुद के बच्चे हों या वीडियो बनाए हैं उनकी, वो खुद हों, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें और आगे जिंदगी में जीते रहें। और हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और ये ग्रुप फोटो जहाँ पर
दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष दोनों तरफ से लेडीज एक साथ हैं। मैं सभी ग्रुप का स्वागत करता हूं। सो एक ग्रुप फोटो सभी लेडीज का, कहीं दूर से आए हैं, दिल के अंदर कहीं न कहीं सपना सजोते हुए, एक दूसरे को सोचते हुए